धर्म को ये सब चीजों का सल्यूशन मान रहे थे, ठीक है, धर्म को, शिक्षा को, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, भारत के पास उस समय, जिस समय इनका जन्म हुआ, तब आप देख सकते हैं आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से या किसी भी रूप से इतना ज्यादा डेवलप नहीं था इंडिया जितना धार्मिक रूप से डेवलप था, है ना। संस्कृति उनकी अच्छी थी, हमारे भारत की। तो उसी को ये उजागर करना चाहते थे कि हमारी धर्म और संस्कृति को लेकर हमें ऊपर उठना चाहिए, है ना, उसी को ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में और मृत्यु हुई थी इनकी, ठीक है, 1863 में इनका जन्म हुआ, 1902 में इनका बेलूर मठ में मृत्यु हो गई। हार्डली ये 39 ईयर्स शायद में जिए हैं, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा उम्र तक ये नहीं जिए थे, ठीक है। असली नाम इनका जो था, स्वामी विवेकानंद नहीं था, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इनका नाम नहीं था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका? नरेंद्र नाथ, याद कर लीजिए, ठीक है। और ये नाम कैसे पड़ा इनका, ये विवेकानंद नाम कहाँ से आया? ये आया इन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद, ठीक है। एक बार ये शिकागो जा रहे थे, ठीक है, तब जो ये शिकागो के लिए जब धार्मिक किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, उसी समय इन्होंने रास्ते में, मतलब वहां पहुंचने से पहले और अपने स्थान से निकलने के बाद, इन्होंने क्या किया, अपना नाम खुद ही परिवर्तन करके विवेकानंद वहां पर रख दिया, ठीक है। किन किन चीजों की स्थापना करी इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, स्वामी रामकृष्ण संघ की, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी इन्होंने 1897 में कलकत्ता में ही, ठीक है, जहां पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के लिए ये फेमस है क्योंकि देखिए इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, है ना, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। अपने गुरु की ही चीजों को इन्होंने आगे बढ़ाया, इनके गुरु के द्वारा ही दी हुई शिक्षा को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इनके परिवार में भी मात्र 24 या 25 साल की उम्र में क्या हुआ, इनके जो पिताजी थे वो भी संन्यास की ओर चले गए थे, ठीक है। तो एक तरीके से वो धार्मिक जो जुड़ाव था अपनी फैमिली के साथ, मतलब उन पर क्या हुआ, इस चीज का असर हुआ कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये भी धर्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहे थे। चलिए, क्लियर है अभी तक जितना भी बताया है? तीन चीजें याद रखिएगा। पहला, इनका मूल नाम, ठीक है, कब क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त, कब चेंज किया, जब ये शिकागो अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन के लिए जा रहे थे। दूसरा है, इनकी स्थापना किन किन चीजों की करी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी 1897 में, ठीक है, 1897 में, शांति आश्रम की स्थापना करी और वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना करी जब ये सैन फ्रांसिस्को गए थे, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन, स्वामी रामकृष्ण संघ, शांति आश्रम और वेदांत सोसाइटी,